इसकी रिकॉर्डिंग देखी थी ना आप लोगों ने। आज हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्शन की, ठीक है, एंड जस्ट सो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट रिफ्रैक्शन। इन रिफ्रैक्शन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट प्लेन सरफेस एंड कर्व सरफेस रिफ्रैक्शन। प्लेन सरफेस रिफ्रैक्शन की बात करेंगे, फर्स्ट विल बी प्लेन सरफेस, स्नेल्स लॉ डिस्कस करेंगे हम इसमें, एंड सेकेंड इज वॉट वी विल बी डीलिंग विथ, कर्व सरफेस रिफ्रैक्शन, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ, यू गाइज कैन स्विच ऑफ योर कैमरा एंड फोकस ऑन द लेक्चर, ठीक है। प्लीज मेक नोट्स, टुवर्ड्स द एंड वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट व्हाट आर योर डाउट्स इफ यू हैव एनी। अच्छा, डाउट जहां होता है, जहां मैं पूछ रहा हूं, वहां जरूर बताना कि यहां पे डाउट है सर, हमको समझ नहीं आ रहा, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट इज प्लेन सरफेस रिफ्रैक्शन। देखो, रिफ्रैक्शन आप लोगों ने पढ़ा है पहले भी, इट इज डिविएशन ऑफ लाइट रेज व्हेन इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, राइट। तो इधर इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल और इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, आप सबको ये बात मालूम है ना। तो इसमें हम स्नेल्स लॉ फॉलो करते थे, दिस इज द इंटरफेस ऑफ टू मीडियम्स, दिस इज मीडियम वन एंड दिस इज मीडियम टू, और यहां पर ये एक इंटरफेस है इसका, ठीक है, बीच में। अब यहां पर क्या होता है कि अगर एक रे यहां से जल के जा रही है, जस्ट रे इज मूविंग फ्रॉम दिस मीडियम, into this medium, so it is bending away from it, है ना? ये आप सबने पढ़ रखा है, ये incident angle हो गया, ये refracted angle हो गया। Refraction में क्या होता है, it is energy जो है वो थोड़ा सा distribute हो जाती है, ठीक है। अभी हम यहाँ पर मान रहे हैं कि पूरे की पूरी energy दूसरी medium में जा रही है, but the bending of light ray takes place, that is what is called as refraction। इसका refractive index अगर mu1 है और इसका refractive index अगर mu2 है, तो व्हाट डज स्नेल्स लॉ सजेस्ट? यहां पर स्नेल्स लॉ बोलता है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉन्स्टेंट, ये बोलता है, ठीक है। अब ये कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या होती है, तो इसको कैसे निकालते हैं, देखो, म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर, ये होता है। सो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन, यू कैन से दैट दिस इज रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, ठीक है। एक तो ये तरीका होता है, एक ये तरीका होता है, ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, या एक साइड भी लिखते हैं। तो तुम ये याद रखो इसको, ठीक है, ये सब कंफ्यूजिंग है, इसको तुम हटा सकते हो, रिमेंबर दिस। तो अब ये प्रोडक्ट याद रखो, कौन सा वाला, ये वाला प्रोडक्ट, जिधर का साइन ऑफ एंगल ऑफ, जिधर के एंगल का साइन है उसी तरफ का हमको रिफ्रेक्टिव इंडेक्स चाहिए, ओके, और उसका प्रोडक्ट लेना है। तो प्रोडक्ट ऑफ द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम एंड द साइन ऑफ एंगल ऑफ एंगल ऑफ ईदर इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन इन दैट मीडियम, उसका प्रोडक्ट लेना है आपको, एंड दैट विल बी अ कॉन्स्टेंट, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो दिस इज स्नेल्स लॉ, ये फर्स्ट है, और दूसरा स्टेटमेंट है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड द नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। इज इट क्लियर टू यू, से यस और नो? यस सर, यस सर। ग्रेट, नाउ कम्स कि इसमें हम प्लेन सरफेस रिफ्रैक्शन की बात करते हैं फिलहाल, ठीक है सर। हाँ बोलो सर, कैन यू रिपीट बोथ द स्टेटमेंट्स? दिस इज वन स्टेटमेंट, द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट, एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द सॉरी द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम। ओके सर,
we are discussing about plane surface refraction. और इसमें भी हम बात कर रहे हैं अपेरेंट डेप्थ और हाइट की, ठीक है, अपेरेंट डेप्थ और हाइट, ठीक है, ये काम हमें करना है आज. देखो यहां पर क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना बेटा, इसके ऊपर क्वेश्चंस काफी आते हैं. ये एक मीडियम है, वाटर ले लो, और ये इसका ऊपर का लेयर, ठीक है. एन ऑब्जेक्ट इज इनसाइड दिस मीडियम एट सम डेप्थ से, ये ऑब्जेक्ट जिस डेप्थ में है वो डी है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है. तो हमें इसका इमेज बनाने के लिए कितने रेस की जरूरत होती है बच्चों? दो रेस की जरूरत होती है, राइट. तो दिस इज वन रे, अ रे विच हिट्स दिस मीडियम परपेंडिकुलरली गोज अनडिविएटेड, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है. हमेशा आप एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किससे मेजर करते हो बेटा? आप मेजर करते हो उसको नॉर्मल के साथ, यस और नो? यस सर. तो यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों जीरो हो गया. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इसलिए जीरो हुआ क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो गया, एंड साइन ऑफ जीरो इज जीरो. नाउ दिस इज वन रे, द अदर रे विल बी दिस वन, ओके. ये दूसरी रे है, और यहां पर दिस इज द नॉर्मल, एंड दिस रे इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. हम यहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात कर रहे हैं, दिस एंगल इज वेरी स्मॉल, नियरली नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंस, नियरली नॉर्मल. वेरी स्मॉल का मतलब होता है चार, जीरो से लेके सात आठ डिग्री तक, ठीक है. तो यहां पर द रे विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल ओनली वेन, द रे विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल ओनली वेन द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, when the ray is moving from denser to rarer medium. मतलब यहां पर mu1 is greater than mu2, तभी ये ray bend करेगा away from the normal, yes or no? Yes sir. So can you repeat the statement? देखो simple सा logic है, याद नहीं रखना है, ठीक है, रटना नहीं है. एक बात मुझे बताओ, तुम सबको sin of i और sin of r पता है ना? Angle is varying from 0 to 90, yes or no? ये रिफ्रेक्टिंग रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी यही वेरी करेगा बेटा इसमें, ठीक है. अब यहां पे क्या हो रहा है देखो ध्यान से, अगर म्यू टू म्यू वन से बड़ा है, श्रृंखला ने पूछा था ना ये डाउट, तो अगर इफ म्यू टू इज ग्रेटर देन म्यू वन, श्रृंखला देन दिस इज ग्रेटर देन वन, यस और नो? यस सर. तो साइन ऑफ आई, सॉरी, this is mu 2 by mu 1, this is greater than 1, so obviously ये बड़ा है, तो denser से rarer medium, sin of I is greater than sin of R, ठीक है. तो ये इस केस में क्या होगा बताओ श्रृंखला, I is greater than R हुआ या नहीं हुआ बेटा? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्यूट है एंगल, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो इस केस के लिए, हाँ, मैं यहां पर दूसरे कलर से बना रहा हूं, इस केस के लिए द रे विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, यस और नो? यस सर. है ना, ये लॉजिक समझ आया? और अगर इफ दिस वॉज इफ, राइट, इफ दिस इज वन ग्रेटर देन वन, if it is less than 1, then what will happen? Sine of angle of incidence is less than sine of angle of refraction, yes or no? Yes sir. So this implies I is less than R, hua na? Yes sir. So yahan par kya samajh aaya beta humko? Yahan par ye samajh mein aaya ki agar hum denser se rarer medium jate, ye less than 1 kab hai?
जब म्यू वन की वैल्यू म्यू टू से ज्यादा है तभी लेस देन वन होगा. तो व्हेन वी गो फ्रॉम डेंसर टू रेयरर द रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल राइट. एंड व्हेन वी मूव फ्रॉम रेयरर टू डेंसर द रे बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल. ओके यस सर. आया समझ में? बस तो ये अब स्टेटमेंट रटना नहीं है बेटा, है ना, इसीलिए मैंने मना किया. अब आप देखो यहां पर आपको क्या बनाना था. ये हमने दो रेज बना ली, तो हमारे पास दो रिफ्रैक्टेड रेज है और दो इंसिडेंट रेज है. तो अगर अब हम रिफ्रैक्टेड रेज को बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, याद है ना हम लोग कैसे बनाते थे इमेज, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रेज राइट. तो व्हेन आई एक्सटेंड दिस रे इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, सो आई एम एक्सटेंडिंग इट, तो यहां पर एक्सटेंड किया एंड दिस एक्सटेंशन इज actually intersecting at this point. Yes or no? And this yes, is sir. The image. So yahan par what I can now say is this is the real depth of the object and this is the apparent depth of the object. So let's write it. It is, this is the real depth and this is the apparent depth. Yes or no? ये एंगल, ये लेंथ हो गया x. अभी मुझे अपेरेंट डेप्थ की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ रियल डेप्थ. क्या क्या गिवन है मुझे? ये आर डी गिवन है, म्यू वन गिवन है, म्यू टू गिवन है, ठीक है. तो इसके टर्म्स में मुझे x की वैल्यू, सॉरी ए डी की वैल्यू निकालनी. दिस इज व्हाट आई इंटेंड टू फाइंड. ऑब्जेक्टिव ऑफ डिस्कशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? से यस और नो. यस सर. यस सर. ओके, नाउ सी व्हाट हैपेंस. जब भी, अब याद रखते जाना ये पॉइंट्स है सारे, जब भी तुम्हें इस तरीके के सवाल सॉल्व करने हो, इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना हो, हमेशा याद रखो कि इंटरफेस पे देखो तुम्हें स्नेल्स लॉ लगाने मिल रहा है या नहीं मिल रहा. तो यहां पर ये स्ट्रेट लाइन पे तो नहीं कर सकते, पर इस लाइन पे जरूर इस पॉइंट पे हम स्नेल्स लॉ यूज कर सकते हैं. तो वो स्नेल्स लॉ क्या है यहां पर, तो लेट्स सी. It's mu 1 sin I. All of you say this. Mu 1 sin I is equal to mu 2 sin R. R. Very good. So, yahan par, since I is very small, right? Maine bola na tumhe 7 se 8 degrees tak maximum hoga. Therefore, sin of angle of I is approximately equal to I and approximately equal to tan I also. Padhaya na aap logo ne maths mein 11th standard mein. कि अगर एंगल बहुत छोटा है तो उसका साइन और टेन अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है, ठीक है. तो आई कैन नाउ रिप्लेस दिस एज म्यू वन टेन आई इज इक्वल टू म्यू टू टेन आर. नाउ से यस और नो. यस सर. ऑल ऑफ यू? यस सर. ओके, अब हम यहां पर लिखेंगे टेन आई की जगह क्या लिखेंगे हम, देखो tan i के लिए हम लिखेंगे ये एंगल i है, ये एंगल i है, ठीक है. दिस इज i. तो tan i इज हाउ मच? tan i इज x अपॉन म्यू वन, x अपॉन रियल डेप्थ आर डी. वॉट अबाउट tan r? तो tan r है हमारा यहां पर, दिस एंगल इज r, दिस एंगल इज r. यस और नो? करस्पॉन्डिंग एंगल्स. This is x upon AD. बताओ बच्चों, समझ आया नहीं आया ये? Yes sir. बाकियों को समझ नहीं आया क्या? भव्य श्रृंखला संस्कृति. Yes sir. Okay. X और x कैंसल हुआ, so we have apparent depth as real depth into mu two. अपॉन म्यू वन. अब ये म्यू टू किसका, किसके मीडियम का है? तो ऑब्जर्वर हमारा कहाँ था? ऑब्जर्वर हमारा यहां था. ये ऑब्जर्वर है, उसकी आंख है ये, ठीक है. तो ऑब्जर्वर जब यहां पर है तो ऑब्जर्वर के मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है ये म्यू टू. क्या है? दिस इज द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ द ऑब्जर्वर. म्यू वन क्या है? म्यू वन इज रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको आप देख रहे हो, राइट. तो नाउ आई विल राइट इट एज
इसको याद रखना है ना हमको, तो म्यू टू म्यू वन में कंफ्यूजन होगा. तो दिस इज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम ऑफ ऑब्जेक्ट. क्लियर? यस सर. द सेम थिंग यू विल डू फॉर हाइट ऑल्सो. अपेरेंट हाइट इज इक्वल टू रियल हाइट इन टू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ ऑब्जर्वर अपॉन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ ऑब्जेक्ट. क्लियर? नाउ अब आता है शिफ्ट क्या है, अपेरेंट शिफ्ट क्या है. तो ये शिफ्ट है, इसको हम लिख लेते हैं टी. तो द अपेरेंट शिफ्ट टी इज रियल डेप्थ माइनस अपेरेंट डेप्थ, राइट? या इसको ना डेल्टा टी लिख लेते हैं. तो इससे क्या होगा, थोड़ा चेंज हो रहा है ये पता चलेगा, राइट? तो दिस इज डेल्टा टी द अपेरेंट शिफ्ट, वी कॉल दिस एज अपेरेंट शिफ्ट. एंड दिस इज वॉट आर डी माइनस ए डी. सो दिस इज आर डी माइनस आर डी इन टू म्यू ऑब्जर्वर अपॉन म्यू ऑब्जेक्ट, ओके? और इट इज आर डी टाइम्स वन माइनस म्यू ऑब्जर्वर अपॉन म्यू ऑब्जेक्ट. ठीक है, दिस इज द अपेरेंट शिफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो जब भी तुम, इसीलिए जब मछलियों को तुम देखते हो पानी के अंदर ना, तो मछलियां तुम्हें अपने लेवल, अपने डेप्थ से ऊपर दिखाई देती है. तुम अगर एक बॉटल में, एक कांच के ग्लास में एक कॉइन डाल दो, तो वो कॉइन तुम्हें अपने लेवल से ऊपर दिखाई देगा. गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? से यस ऑन. यस सर. जस्ट गो थ्रू दिस एंटायर स्लाइड वंस. इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज आस्क, एंड इफ यू डोंट हैव वी विल मूव अहेड टू द सेशन. राइट नो डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन एंड डू इट क्विकली. संस्कृति एक बार पढ़ ले बेटा. सर. हाँ बोलो. सर एक बार अपेरेंट शिफ्ट वाला पार्ट एक बार समझा दो. बेटा अपेरेंट शिफ्ट का मतलब क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट था यहाँ पर, देखो ध्यान से सुन, एक ऑब्जेक्ट था यहाँ पर, ठीक है, वो यहाँ दिखाई दे रहा है हमको, ठीक है? हाँ ना बोलना. हाँ सर. तो ये शिफ्ट कितना हुआ, ये डेल्टा टी शिफ्ट हुआ ना यहाँ पर. तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ओरिजिनल जो डेप्थ था उसका, उसमें से अपेरेंट डेप्थ को माइनस करेंगे. अच्छा. यस सर. ओके. वेरी गुड अदिति, शाबाश संस्कृति, वेरी गुड बेटा. चले आगे. सर यस सर. टैन वाला एक बार समझा दीजिए. क्या बेटा, क्या क्या? टैन आई वाला. देखो अगर, देखो याद रखो, अगर आई बहुत छोटा है, आई इज लेस देन और अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 8 degrees, 7-8 degrees तक, ठीक है, 7-8 degrees तक, तो tan थीटा की वैल्यू थीटा के बराबर होती है अप्रोक्सीमेटली रेडियंस में, ठीक है? ऐसे साइन थीटा की वैल्यू भी थीटा के बराबर होती है रेडियंस में, ठीक है? तो इसीलिए हमने साइन थीटा को थीटा लिखा और थीटा को tan थीटा लिखा. समझ आया? Yes, sir. बस. और tan थीटा कैसे लिखते हैं ये तो तुम्हें पता है ना, वर्टिकल हाइट, हाइट अपॉन बेस, वही फॉलो किया बेटा यहाँ पर. अब चलो आगे चलते हैं. देखो इस पे एक क्वेश्चन देख लो, बहुत बढ़िया. अब देखो, अब तुमको मैं एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है? छोटा सा नहीं है ये क्वेश्चन, काफी अच्छा है और हमारे लिए ये काफी काम का रहेगा तुम्हारे लिए. देखो यहां पर क्या हो रहा है, ये एक कंटेनर है, ठीक है,
और इस कंटेनर में एक कॉइन रखा हुआ है यहां पर, ये इसका एक्सिस है, सिलेंड्रिकल कंटेनर है और यहां पर एक कॉइन रखा हुआ है। कहां पर रखा हुआ है? यहां पर, ठीक है। अब एक ऑब्जर्वर को, एक ऑब्जर्वर को ये जो कॉर्नर है ये इसका लाइन ऑफ विजन है, मतलब ऑब्जर्वर कहां पर है? ऑब्जर्वर इज ऑन दिस, दिस इज द लाइन ऑफ विजन ऑफ द ऑब्जर्वर, द आई, ठीक है। क्वेश्चन में पूछता है कि बाय हाउ मच हाइट वी शुड फिल दिस कंटेनर सच दैट द कॉइन इज विजिबल टू द आई, मतलब कॉइन से जो रे चलेगी वो आई तक पहुंच जाएगी विदाउट डिस्टर्बिंग द पोजिशन ऑफ द आई। ये इसका नॉर्मल हो गया, नॉर्मल को थोड़ा बारीक बना लेता हूं। हाँ भाई, क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया आपको? यस सर, यस सर। ये डिस्टेंसेस हमको दे रखे हैं, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस कितना है? ये 30 सेंटीमीटर है और ये भी 30 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है ये 45 डिग्रीज का है। समझ आ रहा है आप लोगों को? बच्चों, हाँ या ना? यस सर, हाँ सर। और ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है दिस इज 5 सेंटीमीटर, ये दे रखा है। कॉइन इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सेंट्रल लाइन। तो अब देखो करोगे क्या इसमें, तुम्हें हाइट निकालना है। तो सबसे पहले तो तुम मान लो कि इस हाइट की वैल्यू कुछ है h, we assume it that it is some h, right? Now what we will do is क्या करते थे, this is water, right? तो water का refractive index is 4/3, air का refractive index is 1, okay? So we will apply Snell's law at this point, okay? So we have this is angle of incidence which we are not aware of, okay? So it's mu water multiplied by sine of I is equal to mu air multiplied by sine 45 degrees. Now mu water is 4/3, sine I क्या है बेटा? देखो ध्यान से, ये इसको पूरा कर लो यहां पर। तो ये जो डिस्टेंस है ना यहां पर बेटा, फॉलो करते रहना, ठीक है ना? ये जो डिस्टेंस है दिस इज सम डिस्टेंस x, वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट। तो साइन आई होगा यहां पर 5 plus x अपॉन ये ब्लैक, ये जो डार्क ग्रीन कलर की लाइन है इसको r लिख लो, नहीं r मत लिखो, इसको लिख लो l। तो इसका डिस्टेंस कितना होगा? रूट ऑफ एच स्क्वेयर प्लस 5 plus x का होल स्क्वेयर। से यस और नो? यस सर। एयर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1 हुआ, साइन 45 डिग्री 1/√2 हुआ। भाई आप लोग सब लोग हाँ बोलेंगे तो मैं आगे चलूंगा यहां से। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन विच आई हैव मेड। अच्छा देखो, ये जो ट्रायंगल है इसका नाम लिख लो ओ ए बी। तो ट्रायंगल ओ ए बी में अगर मैं आपको कहूं साइन आई लिखिए आप, तो लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे? यस सर। 5 प्लस एक्स अपॉन एल, और एल की वैल्यू क्या है? रूट ऑफ 5 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यस सर। संस्कृति आपको समझ में आया बेटा? यस सर। ओके दीक्षा? यस सर, क्लियर सर। तो 4 5 प्लस एक्स
इसको आप क्या करो, इसको तुम स्क्वायर कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि रूट हटाना है ना तुमको पहले। चलो मैं ना तुम्हारे लिए इक्वेशन बनाता हूँ, तुम इसको सॉल्व करके मुझे बाद में लिखना, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर वन। इक्वेशन नंबर टू क्या होगा, देखो, tan 45 डिग्रीज। अब इसको, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं, लेट्स नेम इट एज पी, राइट, कॉर्नर है ना वो, तो उसको पी नाम दे दिया। तो tan 45 डिग्रीज इज इक्वल टू h अपॉन 15 प्लस एक्स, यस और नो? दिस इज फ्रॉम ट्राइंगल PBA। Guys, check it and please say it is, whether it is correct or not. Bhavya, Deeksha, Sanskriti and Shrinkla. चलो बहुत बढ़िया। तो नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज स्क्वायर दिस फर्स्ट इक्वेशन। बेटा आप लोग का रिस्पांस नहीं आ रहा है मुझे, प्लीज देखो सुनो, मैं ना अगर ज्यादा बोलूंगा ना, प्लीज बोलो, प्लीज बोलो, तो मेरा गला खराब होता है। अंडरस्टूड सर, यस सर। तो मेरा, तुम लोग ना गला खराब मत करवाओ, तुम लोग टाइमली बोल दो, ठीक है? Okay, तो हम अपने कंटेंट के लिए मेरे गले का उपयोग करो। अब इसको स्क्वायर कर दो फर्स्ट वाले को, तो क्या हो गया बेटा, 16 टाइम्स 5 प्लस x का होल स्क्वायर अपॉन 9, और इधर आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस 5 प्लस x का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब इसको आराम से तुम सॉल्व कर लो, दो इक्वेशन है, दो अननोन है, और तुमको आता है इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व करना, राइट? So this is one example of refraction, plane surface refraction. Okay. Now let's do one more example. This is example one. Let's do one more example. Now this is a pond. और इस pond के अंदर क्या है? एक फिश है, ठीक है? दिस इज अ फिश। इस मछली का नाम है स्विमी, ठीक है, बिकॉज इट नोज हाउ टू स्विम। नाउ द डिस्टेंस इज आर, सॉरी, दिस इज एच बाई टू। और यहां पर ना एक क्या हुआ है, इस जगह पे एक मिरर रखा हुआ है एट द बॉटम ऑफ इट, राइट? तो सिल्वर्ड है ये, तो द फिश कैन सी इट्स ओन रिफ्लेक्शन एंड दिस मिरर इज एट अ डेप्थ ऑफ एच बाई टू। ओके, अब देयर इज अ बर्ड एट दिस पॉइंट एट ए हाइट। एक बर्ड का कलर लाल रंग की एक चिड़िया है, ठीक है? एंड इट इज सिटिंग ऑन अ ब्रांच, ऐसा कुछ, सॉरी। यहां पर एक पेड़ है, पेड़ टाइप की कोई चीज है, और यहां पर ये बैठी हुई है चिड़िया, ठीक है? तो अब दिस बर्ड सीज द फिश एंड इट्स द बर्ड सीज टू इमेजेस ऑफ द फिश। द बर्ड कैन सी टू इमेजेस ऑफ द फिश, राइट? तो आपको क्या बताना है इस क्वेश्चन में, फाइंड the distance of the images of the bird as seen by the fish
और अगर बर्ड की जगह फिश का इमेज देखना है तो एज सीन बाय द बर्ड, ठीक है, मेजर्ड फ्रॉम इट, ठीक है. तो आपको बताना है फाइंड द डिस्टेंसेज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द इमेजेस ऑफ द बर्ड एज सीन बाय द फिश एंड मेजर फ्रॉम इट. क्वेश्चन क्लियर है या नहीं है? गाइस क्वेश्चन क्लियर है या नहीं है? सर अच्छे से क्लियर नहीं है. हाँ सर थोड़ा सा ही. अंग्रेजी में लिखा एक बार और पढ़ो. एक बार और पढ़ो. वो जो फर्स्ट वर्ड है उसको फर्स्ट वर्ड के साथ पढ़ो, जो सेकंड वर्ड है उसको सेकंड वर्ड के साथ पढ़ो. अभी हुआ ये बताओ. Yes, sir. संस्कृति श्रृंखला आप लोगों को क्लियर हुआ बेटा? Yes, sir. ठीक है. अब हिंदी में समझो क्या बोल रहे हैं. भाई चिड़िया को मछली दिखाई देगी तो उसको दो मछलियां दिखाई देती हैं, तो वो दोनों मछलियों का डिस्टेंस पूछ रहा है, चिड़िया से मेजर करना है. विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंस कौन रहेगी? चिड़िया रहेगी. ऐसे ही जब फिश ऐसे आंख उठाएगी तो उसको एक चिड़िया ऊपर दिखाई देगी, और जब नीचे देखेगी तो मिरर में एक चिड़िया दिखाई देगी तो उसको दो चिड़िया दिखाई देगी. गॉट इट? यस सर गॉट इट. यस सर. तो वो दोनों डिस्टेंसेस हमको मेजर करना है, ठीक है. तो चलो आओ मैं एक करता हूं, तुम दूसरा करोगे, वो तुम्हारा होमवर्क होगा. बर्ड एज सीन बाय द फिश, ठीक है. तो देखो एक तो मछली ने तुरंत अपनी आंख ऊपर उठाई और उसको देखा, तो यहां तक तो नथिंग विल चेंज, राइट? दिस विल रिमेन एच बाई टू बिकॉज द मीडियम इज सेम, सो नथिंग इज गोइंग टू चेंज. ये डिस्टेंस चेंज होगा, कौन सा वाला? ये वाला. दिस इज रियल हाइट, रियल हाइट फ्रॉम द इंटरफेस. यस और नो? यस सर. तो अब हमें अपेरेंट हाइट निकालना है. ये फर्स्ट पार्ट में सॉल्व कर रहा हूं. वी आर फाइंडिंग अपेरेंट हाइट. Now what is this apparent height? It's real height multiplied by observer का refractive index, observer के medium का refractive index divided by object का refractive index, object के medium का refractive index. So what is real height? Real height is h. Observer का refractive index is how much? Mu ले लो इसको फिलहाल के लिए. Divided by object का refractive index, air है तो refractive index 1 ले लो. तो ये आ गया म्यू एच. तो दिस म्यू इज ग्रेटर देन 1, यस और नो? क्योंकि डेंसर मीडियम है ना वाटर, तो म्यू इज ग्रेटर देन 1. यस सर. सो अपेरेंट हाइट इज ग्रेटर देन रियल हाइट, यस और नो? यस सर. सो रियल हाइट इज लेसर देन अपेरेंट हाइट. इसका मतलब ये हुआ कि ये एच से बड़ा होगा. ये चिड़िया कहां दिखाई देगी? अब ये चिड़िया हमको यहां दिखाई देगी. हमको नहीं मतलब फिश को दिखाई देगी, ठीक है. यस सर. और बना लो इसको थोड़ा सा. ओके तो बेटा ये ध्यान रखना है तुमको, तो इसका जो रियल हाइट होगा, देखो मेरी ड्राइंग पे ज्यादा मत जाना नहीं तो परेशान हो जाओगे, है ना. मैं इसको सिर्फ बनाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि तुम्हें समझ आए.
ये चिड़िया हो गई और ये इसका अपेरेंट हाइट हो गया. संस्कृति यू अंडरस्टूड दिस? यस सर. वेरी गुड, शाबाश. तो एक इमेज तो बना ली हमने, अब दूसरी इमेज कहाँ होगी? तो दूसरी इमेज ये फिश जब नीचे देखेगी ना तब पता चलेगा, कहाँ? मिरर में. तो मिरर में डिस्टेंस पहले देखो, मिरर अब कौन हो गया, ऑब्जर्वर कौन है? मिरर है पहले, है ना? तो पहले ये देखो कि मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है. तो मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इतना होगा, यस और नो? क्योंकि मिरर कौन से मीडियम में है? मिरर है वाटर में, तो मिरर के लिए भी तो अपेरेंट हाइट निकालना पड़ेगा ना हमको, यस और नो? यस सर. तो मिरर, मिरर जितनी देर, मिरर मिरर से जितनी दूर वो ऑब्जेक्ट बनेगा उतना ही, मिरर जहां उस ऑब्जेक्ट को देखेगा उतना ही पीछे मिरर अपनी उसकी इमेज बनाएगा, यस और नो? तो मिरर को भी ये जो चिड़िया का अपेरेंट हाइट जो है वो यहीं दिखाई देगा. तो दिस डिस्टेंस इज हाउ मच, ये डिस्टेंस हो गया म्यू एच, ये डिस्टेंस हो गया एच. तो मिरर के लिए, मिरर कौन सी चिड़िया का वो बनाएगा बेटा? इमेज. मिरर विल फॉर्म द इमेज ऑफ दिस बर्ड, ये वाली बर्ड, यस और नो? यस सर. भाई सब लोग बताओ मुझे, तब तो आगे बढ़ूंगा मैं, नहीं तो नहीं बढ़ूंगा. मिरर ने, मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कौन था पहले ये बताओ. मिरर के लिए ऑब्जेक्ट थी ये नीचे वाली चिड़िया, ओरिजिनल हाइट वाली, यस सर. उसका इमेज मिरर ने कहां बनाया पहले? वो पहले तो उसको अपेरेंट शिफ्ट करेगा ना ऊपर, अपेरेंट शिफ्ट हुआ. तो अपेरेंट शिफ्ट हुआ तो असली ऑब्जेक्ट कौन हो गया जिसका इमेज मिरर बनाएगा? ये मिरर को चिड़िया यहां दिखाई दे रही. ट्रीट मिरर एज एन ऑब्जर्वर, जैसे फिश को ऑब्जर्वर की तरह ट्रीट किया आप लोगों ने, उसी तरीके से आप मिरर को ऑब्जर्वर की तरह ट्रीट करो. तो जब आपने मिरर को आपने ऑब्जर्वर माना, तो द मिरर इज ऑब्जर्विंग दिस ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ म्यू एच फ्रॉम द इंटरफेस, राइट? इंटरफेस से म्यू एच डिस्टेंस पे मिला, तो मिरर से कितना डिस्टेंस हो गया? तो इन दोनों का सम, विच इज एच टाइम्स वन प्लस म्यू. और आप सबको पता है कि जितना डिस्टेंस होता है मिरर का ऑब्जेक्ट से उतना ही इमेज का डिस्टेंस होगा, यस और नो? यस सर. तो ये चिड़िया बनेगी यहां, ठीक है? शायद आप लोग को समझ में आया होगा ये. बेटा नहीं आया समझ में तो बताओ. सर आपने यहाँ पे न्यू एज लिया है, ये न्यू एज क्यों लिया? अरे अपेरेंट तो था ना ये, उसको एच नहीं ले सकते थे? क्यों लेना, क्यों लोगी एच तुम? पहले उसको शिफ्ट करोगी ना मीडियम. देखो ऑब्जर्वर कौन से मीडियम में है, मिरर को ऑब्जर्वर मानो, कौन से मीडियम में है वो? वाटर में है. वाटर में, तो वाटर से जब वो देखेगा ऊपर सर उठा के, तो जैसे मछली देख रही थी उस चिड़िया को, उसको मछली कहाँ दिखाई, चिड़िया कहाँ दिखाई देती? न्यू एच हाइट पे, यस और नो? अच्छा ओके सर, गॉट इट. तो मिरर को भी तो वहीं दिखाई देगी ना इंटरफेस से. अब ये जो डिस्टेंस आया, अब ये जो डिस्टेंस आएगा ये होगा तुम्हारा क्या, ये वाला जो डिस्टेंस होगा दिस विल बी म्यू टाइम्स, सॉरी एच टाइम्स वन प्लस म्यू. क्लियर? से यस और नो? अच्छा यहां पर एक गड़बड़ होगी, मैंने ना यहां पर इसको 1/2 लिखना था, सॉरी. नहीं नहीं ये नहीं, ये नहीं, नॉट दिस वन. ये जो अपेरेंट हाइट निकाला था ये था फर्स्ट वाला जो था ना, और उसका फिश से डिस्टेंस कितना था, मेजर्ड फ्रॉम द फिश, है ना? तो फिश से डिस्टेंस होगा h by 2 plus mu h. This is the correct answer. We have to measure it from the fish, right? Bird, fish, measured from the fish. अब यहां पर क्या होगा, ये हो गया. अब फिश से मेजर, फिश इस बर्ड को कहां देख रही है, यहां देख रही है. तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, दिस इज 3/2h प्लस म्यू एच, यस और नो? यस सर. यस सर ऑल ऑफ यू. तो ये था पहला वाला पार्ट,
सेकेंड वाला पार्ट फिश एज सीन बाय द बर्ड एंड मेजर्ड फ्रॉम द बर्ड आप लोग करेंगे ठीक है. दैट इज अ रिलेटिवली इजियर वन सो आई एम गिविंग यू दैट. दिस इज द सेकेंड आंसर. ओके बेटा एक बार इसको पढ़ लो, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे. ठीक तो एक ने तो क्लियर बोल दिया, बाकी लोग बताओ भाई. संस्कृति क्या क्लियर नहीं हुआ बेटा? तो मैंने लिखा था कि डाउट्स नहीं है. अच्छा 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 ठीक है ठीक. अब देखो एक चीज याद रखना, यहां पर हमने एक लेयर के लिए किया था, ऐसे अगर मल्टीपल लेयर्स होंगे तो क्या करेंगे, हर एक के लिए इंडिविजुअली हम ये निकालेंगे एएच और डेल्टा टी और सबको ऐड करते चलेंगे ठीक है. तो दिस ऑल ऑफ यू रिमेंबर दिस, इफ वी हैव मल्टीपल लेयर्स, सपोज करो ये एक लेयर है, दूसरी लेयर ये है, अब दोनों का अलग अलग रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है, अलग अलग थिकनेस है राइट. इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू वन थिकनेस टी वन, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू टू थिकनेस टी टू. मुझे निकालना है कि भाई अपेरेंट हाइट क्या होगा या अपेरेंट डेप्थ क्या होगा. तो इट इज मान लो ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है ठीक है, ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है, तो रियल डेप्थ कितना है, रियल डेप्थ इज टी वन प्लस टी टू. अपेरेंट डेप्थ क्या हो जाएगा, तो इंडिविजुअली अपेरेंट डेप्थ निकालो एक एक का, तो टी टू अपॉन म्यू टू क्योंकि ऑब्जर्वर के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वन है मीडियम का, प्लस टी वन अपॉन म्यू वन राइट. तो शिफ्ट कितना हो गया, इट्स आर डी माइनस ए डी. तो ये हो गया तुम्हारा टी वन टाइम्स वन माइनस वन बाई म्यू टू म्यू वन प्लस टी टू टाइम्स वन माइनस वन बाई म्यू. तो देखो इंडिविजुअली आपको निकालना है और ऐड करना है शिफ्ट को ठीक है, ऐसे ही अपेरेंट डेप्थ को इंडिविजुअली निकालना है और ऐड करना है, रियल डेप्थ ऑब्वियसली इंडिविजुअली थिकनेसेस को ऐड करना है. ओके सो दिस वॉज एन ईजियर थिंग. नाउ कम्स लेट्स डिस्कस कर्व सरफेस रिफ्रैक्शन. ओके देखो this is a curved surface and this is again all the formulas are valid for paraxial rays. This is the axis right, ye refractive index 1 hai medium ka, on the other side the medium ka refractive index is mu 2. Okay ab kya hai, the object is at this point, this is the ऑप्टिकल सेंटर या पोल ऑप्टिकल सेंटर. यहां से क्या होता है, अ रे स्टार्ट्स फ्रॉम दिस पॉइंट. इसका मुझे इमेज बनाना है ना, एंड दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके यहां से तुम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो, दिस पॉइंट इज पी डैश. तो ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो पी पी डैश, दिस इज अप्रोक्सीमेटली जीरो फॉर पैराक्सियल रेस. ठीक है भाई. अब देखो बच्चों what will happen here, अगर मैं मानूं कि mu1 is greater than, sorry, mu1 is lesser than mu2, so this ray will bend towards the normal, yes or no? बेटा हाँ या ना बोलना है.
तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. और दूसरी रे जो विच लाइज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इट गोज अनडिविएटेड, और यहां पर जाके दोनों रेज इंटरसेक्ट करके इमेज बना लीजिए. ठीक है, तो नाउ वी विल मेजर द डिस्टेंसेस फ्रॉम पी. दिस इज यू एंड दिस इज वी. साइन कन्वेंशन भूलना नहीं है ना. सो दिस इज यू एंड दिस इज वी. ठीक है, and obviously this distance is r, radius of curvature, और इस पॉइंट का नाम लिख लो a है. तो अब देखो, this angle is alpha, this is beta and this is gamma. ठीक है, तो अब हमको वी आर डिराइविंग रिफ्रैक्शन फॉर्मूला. ओके, सबसे पहले यहां पर आप लगाओ स्नेल्स लॉ. तो क्या हो गया स्नेल्स लॉ? अच्छा, दीज आर स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंसेस, राइट? पैरेक्सियल रेज की बात कर रहे हैं हम यहां पर. तो म्यू वन इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू इंटू साइन आर, राइट? सिंस द एंगल्स आर स्मॉल, so these can be approximated as mu 1 into tan I is equal to mu 2 into tan r, since angle of incidence and angle of refraction are small. Now this height is h, p dash a. So tan I kya ho jayega? Tan I will be नहीं ये नहीं लिखना, एक सेकंड. यू राइट इट एज म्यू वन आई इज इक्वल टू म्यू टू आर, ये लिखना है अपने, टेन आई नहीं लिखना है. ठीक है, इसको बाद में टेन में कन्वर्ट करना. नाउ फ्रॉम ट्राइंगल ओ ए सी क्या मिल रहा है हमको? देखो, अल्फा प्लस गामा इज आई, यस और नो? एंड फ्रॉम ट्रायंगल आई ए सी बीटा प्लस आर इज गामा, और आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा. बोलो भाई, हाँ या ना? Yes, sir. सबके लिए. अब यहां पर आई और आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ये करना था. ठीक है, म्यू वन अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू म्यू टू गामा माइनस बीटा. गामा वाले को एक तरफ ले आओ, बीटा और अल्फा को एक तरफ ले आओ, तो वी गेट म्यू टू इंटू बीटा प्लस म्यू वन इंटू अल्फा इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन इंटू गामा, राइट? Now you can approximate it as tan mu 2 into tan beta plus mu 1 into tan alpha is equal to mu 2 minus mu 1 times tan gamma. ठीक है बच्चों, हाँ या ना? बोलो बेटा. Yes sir. अब आया यहां पर tan beta की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो tan beta क्या हो जाएगा? It will be h upon प्लस वी, यू आर मेजरिंग इट अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज. प्लस टेन अल्फा क्या हो जाएगा? एच अपॉन पी डैश ओ, यू आर मेजरिंग इट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज. सो माइनस यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन इन टू एच अपॉन टेन गामा. वॉट इज टेन गामा? इट्स एच अपॉन प्लस आर. तो यहां से एच कैंसल हुआ एंड वी गेट mu 2 by v minus mu 1 by u is equal to mu 2 minus mu 1 by r. आप लोगों को ये डेरिवेशन समझ में आया है या नहीं आया? Yes sir.
अंडरस्टूड वेरी गुड भव्य और संस्कृति आप सर समझ रहा हूँ अब भी तेरा हो जाए तो बताना yes. देखो अब तीन क्लास हो गई है तुम लोग की ठीक है तो मैं तुम लोग को अब तुम्हारे टेस्टिंग पोर्टल का आईडी पासवर्ड दूंगा ठीक है एंड नाउ यू हैव टू टेक द टेस्ट तो रिफ्लेक्शन हमने पूरा पढ़ लिया है ठीक है तो रिफ्लेक्शन पे टेस्ट होगा नेक्स्ट वीक में ओके ओके सर एंड सर वो इसकी रिकॉर्डिंग प्लीज सेंड कर देना वो आज लिंक तुमको मिल जाएगा ओके सर एंड सर एक बार लास्ट क्वेश्चन जो भी आपने कराया था वो एक बार शो करना सर पहले क्लास का रिकॉर्डिंग कहीं से मिल सकता है क्या हाँ वो भी तो दिया मैंने तुमको ग्रुप में आई विल पोस्ट इट इन द ग्रुप अगेन वही उसी यूट्यूब पे जाके देखो ना बेटा तुम लाइव क्लास रिकॉर्डिंग्स प्रो लाइव करके होगा ना प्लेलिस्ट सर इससे पहले वाला तो इसको समझने मत बैठना अब टाइम नहीं है अपने पास है ना इसको बाद यस हाँ आराम से तो पढ़ना इसको बाद में चले आगे भव्य तेरा हाँ या नहीं ना नहीं आया तेरा हो गया समझ में आ गया तेरे को नहीं आया हाँ सर वो लास्ट स्टेटमेंट ही लिख रहा था सर चलो अब देखो इसको इस फॉर्मूले को तुम्हें किसी भी कर्व सरफेस का रिफ्रैक्शन होगा या प्लेन सरफेस का रिफ्रैक्शन होगा देखो इसको प्लेन सरफेस में कन्वर्ट करके दिखाता हूं तुम्हें व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन सरफेस संस्कृति बताओ बेटा संस्कृति व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन सरफेस No idea. Vars, Shrankla. No idea, sir. No idea. अच्छा प्लेन सरफेस देखो कैसे कैसे तुमको रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका निकालते हैं पहले देखो संस्कृति हाँ या ना तो बोल बेटा फिर से बोलो होगा शाबाश वेरी गुड देखो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसका भी जैसे जैसे ये सर्कल बढ़ता चला जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता जा रहा है सेंटर से देखो इंक्रीज होता जा रहा है कि नहीं होता जा रहा है श्रृंखला यस सर तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट सरफेस का सॉरी प्लेन सरफेस का इंफिनिटी होता है ठीक है Yes, sir. तो we will go here and we will substitute this r as इस फॉर्मूले में इस r की वैल्यू को क्या करना है इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट कर देना है तो फॉर प्लेन सरफेस r इज इक्वल टू इनफाइनाइट सो वी हैव म्यू टू बाई वी इज इक्वल टू म्यू वन बाई यू सिंस वन बाई आर विल बी जीरो तो देखो v की वैल्यू क्या आई u इंटू म्यू टू अपॉन म्यू वन तो अपेरेंट डेप्थ ये v क्या था अपेरेंट डिस्टेंस है ना यहां से रियल डिस्टेंस इंटू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ ऑब्जर्वर इंटू म्यू वन क्लियर
यस सर, ये फॉलो यहां पर भी होता है. वेरी गुड भव्य, तुमने सही आंसर किया. तो ये ध्यान रखने का है बेटा, ठीक है. अब हम एक और एक्सप्रेशन हम लिखते हैं, कर्व सरफेस या रिफ्रैक्शन थ्रू थिन लेंसेस के लिए क्या फॉर्मूला होता है, और उसके बाद वी विल साइन ऑफ फॉर द रिफ्रैक्शन थ्रू थिन लेंसेस. तो सबसे पहले तो लेंस को देखते हैं कि लेंस में होता क्या है एग्जैक्टली. लेंस को क्या, कब बोलते हैं कि ये लेंस हो गया. तो दो मीडियम्स के बीच में कुछ पोर्शन अलग मीडियम का रहता है, उसको हम लेंस बोलते हैं, ठीक है. इट्स अ बाउंड्री, सॉरी इट्स अ मीडियम विच इज बाउंडेड बाय टू डिफरेंट प्लेन्स. गॉट इट. तो yes. यहां पर मेरे पास ये एक लेंस हो गया. दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस. ये मीडियम म्यू वन है, ये मीडियम म्यू टू है, ये मीडियम म्यू थ्री है, ठीक है. ये है तुम्हारा ऑप्टिकल सेंटर पी. ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, इमेज यहां बनेगी. तो होता क्या है, इसमें ध्यान से सुनना है. पहले तो एक रे आएगी, फर्स्ट सरफेस से इसका रिफ्रैक्शन होगा, फिर सेकंड सरफेस से, ये फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन हुआ, फिर सेकंड सरफेस से रिफ्रैक्शन होके ये यहां बनेगा, ठीक है. ओरिजिनली अगर ये सेकेंड सरफेस नहीं होता तो ये कहां चली जाती थी, ये रे इधर चली जाती थी. यस और नो? यस सर. भाई सब लोग हाँ या ना बोलेंगे? यस सर. यस सर. तो हमारे लिए ये था इमेज, फाइनल इमेज, इमेज फॉर्म्ड बाय, दिस वाज मीडियम वन, दिस वाज इंटरफेस टू, फर्स्ट सरफेस सेकेंड सरफेस, दिस वॉज इमेज फॉर्म्ड बाय मीडियम टू, सॉरी सरफेस टू, and this is image formed by surface one, right? Say yes or no? Yes sir. Yes. Now this image formed by surface one is acting as an object for surface two. Yes or no? Yes. क्योंकि इसका तो incident ray यही है ना, second surface का incident ray ये वाला छोटी सी हरी line है. ये जो green color की line आप देख रहे हैं छोटी सी lens के अंदर, this is the incident ray for second surface, right? When you extend it and it meets on the principal axis, to tumko wo kya samajh mein aaya, that is the object for second surface. Aur wo actually kya tha, that was image for the second first surface, theek hai. To yahan par hum isko likhenge v1, okay, और इसको लिखेंगे u, और इस डिस्टेंस को लिखेंगे v फाइनल पोजिशन ऑफ द इमेज. हा या ना गाइस, से यस और नो? यस सर. यस सर. अब हमारे पास एक फॉर्मूला था, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर. देखो ये डेरिवेशन मैं तुम्हें इसलिए करवा पा रहा हूं क्योंकि तुम्हारी संख्या कम है ना, तो तुम इसको ठीक से समझ लो, अपन नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व करके फिर फॉर्मूला सीखेंगे, ठीक है. तो अब देखो यहां पर म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर. तो फॉर फर्स्ट सर्फेस ये सेम फॉर्मूला यूज करेंगे हम, उसमें व्हाट इज म्यू टू, म्यू टू इज म्यू टू. व्हाट इज वी फॉर द फर्स्ट सरफेस, एनीबडी हु कैन टेल मी व्हाट इज वी फॉर द फर्स्ट सरफेस? इमेज डिस्टेंस कितना है बेटा फर्स्ट सरफेस से? ये है कि नहीं?
यस सर। कितना है ये? V1 सिंपल है। यस V1 माइनस म्यू वन बाई यू, ये इट रिमेन्स एज इट इज। दिस इज म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर वन। नाउ फॉर सेकेंड सर्फेस, इट इज फॉर सेकेंड सर्फेस इट इज। अब यहां म्यू टू क्या है? सॉरी म्यू टू इसको नहीं बोल रहा, इसको म्यू टू बोल रहा। तो इसका म्यू टू क्या है? म्यू थ्री है, क्योंकि बाहर आई ना रे निकल के। तो दिस इज म्यू थ्री बाई फाइनल इमेज कहा बन रहा है? वी पे। तो वी माइनस म्यू वन क्या है इसका? म्यू वन इज म्यू टू, क्योंकि इसका तो इंसिडेंट रे म्यू टू में था। तो म्यू टू अपॉन यू क्या है इसका? यू इज वी वन, क्योंकि ओ टू इज वी वन इज इक्वल टू म्यू थ्री माइनस म्यू टू बाई आर टू। नाउ anyone who disagrees to it please ask. No sir. Anyone who does not understand it please ask. Chalo sabko samajh mein aaya matlab hai na, bahut badhiya baat hai। तो अब क्या करो, अब इन दोनों को ऐड कर दो। देखो ऐड करने पे क्या होगा, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमको फॉर्मूला मिलेगा म्यू थ्री बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर वन प्लस म्यू थ्री माइनस म्यू टू बाई आर टू। भाई सिंपल है या नहीं है ये बताओ। Yes, और इस फॉर्मूले को रट लो, इसको दिमाग में कील ठोक के बैठा लो। ये ब्रह्मास्त्र है ऑप्टिक्स का, ब्रह्मास्त्र। जब भी तुम इसको थिन सरफेस लेंस, थिन लेंसेस के लिए यूज करोगे, यू कैन ऑलवेज यूज दिस बट विद साइन कन्वेंशन। तो इसका कंडीशन क्या है? यूज इट विद साइन कन्वेंशन। I hope all of you understood this. Yes, sir. Yes, sir. Very good. तो एक बार पढ़ लो, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। हम लोग इसको अगली क्लास में इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे। पढ़ के आना, पर वीडियोस देख के आना है, ठीक है? एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक पढ़ के आना है। Yes, sir. Just go through it once. I am giving you 2 minutes to go. और फिर मुझे बताओ हुआ या नहीं।
हाँ भाई, एनी डाउट्स? नो सर, नो सर। चलो सो एक बार आ जाओ सब वीडियो पे फिर से, तुम्हारी शक्ल देखें और फिर खत्म करें इसको आज। संस्कृति, एनी डाउट्स बेटा? कोई आज का सेशन तुमको समझ आया या नहीं आया? सर आया। पक्का? आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो? आप लोग वो जो नीचे शीट्स दे रखी हैं वो सॉल्व कर रहे हो? एंड कुछ भी अगर आपको अच्छा लगता है सेशंस के बारे में तो प्लीज राइट कमेंट्स। हाँ उसमें दीक्षा, आपको आपको समझ में आया आज? यस सर। वर्षा, सॉरी वर्षा बोल रहा हूँ, श्रृंखला? यस सर। वेरी गुड। भव्य? यस सर। बहुत बढ़िया। तो फ्रॉम नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स व्हेनेवर यू गाइस ज्वाइन प्लीज ज्वाइन विथ योर करेक्ट नेम, ठीक है? यस सर। तो इतना ही है इंस्ट्रक्शन, आपको पता है एनसीआर, रीड एनसीआरटी टेक बुक, सॉल्व द क्वेश्चंस, कम इन द क्लास, वॉच वीडियोस बिफोर ज्वाइनिंग द क्लास, ऑल द प्रीवियस वीडियोस, तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो वी कैन सॉल्व मोर प्रॉब्लम्स। ओके चलो बाय, टेक केयर, थैंक यू सर, आई विल अपलोड दिस रिकॉर्डिंग इन अ व्हाइल। हां बाय बाय, गुड नाइट, बाय।